नमस्कार मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे दोस्तों जब से ये कौतूहल बना हुआ है कि हमें किस जोन में भागनी चाहिए कि यानी कि पोर्टेबिलिटी सेवा जो आपको दी गई है कि इस जोन से उस जोन में आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं तो मन में दुविधा आ रही है कि क्या मैंने जो जोन चूज़ किया था पहले वो सही है या नहीं है क्या हमें पोर्ट हो जानी चाहिए यानी कि दूसरे जोन में चली जानी चाहिए ये सब चीज़ें आपके मन में चल रही है तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि आपके कौन से जोन में ज़्यादातर बच्चे जाएंगे और आपके अकॉर्डिंग क्या जोन सही हो सकता है तमाम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा देखिएगा अगर हम वैकेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑब्वियस है जहाँ पर वैकेंसी पहले ज़्यादा थी वहीं पे इस बार भी ज़्यादा है तो ऑलरेडी जो बच्चे माइंड सेट कर रखे थे कि हमको इस जोन में डालना है वो ऑलरेडी उसी जोन में रहेंगे जैसे सपोज बहुत सारे बच्चे शुरुआत में ही बिलासपुर में अच्छी खासी वैकेंसी थी और इस बार भी जब बढ़ के आई है तो वैकेंसी जो आप देखेंगे कि यहाँ पे साढ़े चार हजार के तकरीबन है तो अच्छी खासी ऑलरेडी है और पहले भी था तो अब यहाँ के बच्चे तो कहीं जाएँगे नहीं हाँ वो अलग बात है कि जैसे पटना जैसे आ, कुछ आ, एक जोन है जहाँ पे वैकेंसी ना ही बढ़ी है और कहीं बढ़ी भी है तो बहुत कम बढ़ी है तो तो ज़्यादातर बच्चे अपने ही जोन में रहेंगे लेकिन हाँ पटना जैसे जोन उसमें बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ गए होंगे कि वैकेंसी तो बढ़ी नहीं बड़ी भी बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ पर बहुत कम बढ़ी तो वो बिलासपुर की ओर भाग सकते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिलासपुर की ओर जो पहले भीड़ थी उसमें आप पाँच परसेंट का इंक्रीमेंट और देखने को मिल सकता है यानी कि पाँच से आठ परसेंट देखने को मिल सकती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी जोन है जहाँ पे वैकेंसी लगभग ना के बराबर बढ़ी है तो वहाँ से बच्चे शिफ्ट करेंगे क्योंकि लग रहा होगा कि इतनी सारी वैकेंसी और उस, उसकी अपेक्षा कहीं पे अड़तीस वैकेंसी आप मान लेते हैं चालीस वैकेंसी और कहीं पे साढ़े चार हज़ार वैकेंसी आप समझ सकते हैं कि इतना डिफरेंस है तो ये सब जो बच्चे हैं उसमें बिलासपुर हो या आपके सिकंदराबाद हो सिकंदराबाद में भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है तकरीबन यहाँ पर पच्चीस वैकेंसी देखने को मिल जाती है कोलकाता बेंगलोर वगैरह में भी अच्छी खासी मालदा में भी ठीक ठाक वैकेंसी आ रही है देखिएगा मालदा उतना बड़ा आप कह सकते हैं जो नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन सात के अराउंड वैकेंसी देखने को मिल रही है तो अच्छी खासी वैकेंसी है और यहाँ पर भी थोड़ा लोग भागेंगे आस के जो बिहार यूपी और ये झारखंड वाले लोग यहाँ पर भागेंगे तो यहाँ पर भी ठीक ठाक वैकेंसी है तो यहाँ पर भी भीड़ बढ़ेगी लेकिन हाँ अब बात कर लेते हैं कि जितना भी कैंडिडेट भरे होंगे फॉर्म तकरीबन सत्तर से सत्तर से पचहत्तर परसेंट जो बच्चे हैं वो ये तीन जोन में ही जाएंगे कौन सा जोन है सत्तर से पचहत्तर परसेंट की मैं बात कर रहा हूँ ये आपके सिकंदराबाद हो गया उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अ, ये मुंबई मुंबई और उसके बाद बिलासपुर ये जो तीन जोन है इसमें आपको तकरीबन सत्तर परसेंट सत्तर तो मैक्सिमम मैंने दिया हाँ पैंसठ से सत्तर ये आप मान के चलो अगर पाँच जोन की हम बात करें जिसमें कि तकरीबन पचहत्तर से अस्सी परसेंट बच्चे पहुंच जाएंगे और वो है आपके यहाँ पे बेंगलोर हो गया इसमें ऐड कर दीजिए चौथा नंबर पे और कोलकाता भी आप जोड़ सकते हैं कोलकाता में भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है तकरीबन ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ तकरीबन ग्यारह सौ वैकेंसी देखने को मिल जाती है तो इन सभी जोन में ही आपको तकरीबन पचहत्तर परसेंट बच्चे इंक्लूड हो जाएंगे बाकी जो 25 परसेंट बच्चे हैं वो इधर उधर uh, छटपटाएंगे या आप कह सकते हैं इधर उधर जाएंगे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ऐसा होगा कि ज़्यादातर बच्चे इसी पांच जोन में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बाकी जोन में छिटपुट किसी में दो परसेंट बच्चे किसी में आठ परसेंट किसी में पाँच परसेंट इसी तरीके से बच्चे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा